आप कहीं जा रहे हैं इंद्रवदन? जी, शिकार पर जा रहे हैं। शिकार पर? पर आपको तो शिकार पसंद नहीं। जी नहीं, पर उन्हें तो बहुत पसंद है। उन्हें? गायत्री को? नहीं, गायत्री को नहीं, रागेश्वरी को। प्रणाम राजमाता। रुकिए राणा जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अकेले में। राजमाता, आपको जो कहना है आप रागेश्वरी के सामने कह सकती हैं। आखिर रागेश्वरी हमारी धर्मपत्नी है। आप जानते हैं कि आपके दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं, ऐसे में हम आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। दुश्मन तो हमारे महल में भी हैं, तो क्या आप महल में रहना भी छोड़ दें? हमने कहा ना आपसे, हम आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं देंगे। हम राजा हैं, हमें कुछ भी करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपकी भी नहीं। कम माय क्वीन। रानी, राणा जी को कुछ हो गया है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वरना राणा जी शिकार पर जाने के लिए जिद नहीं करते, और वो भी रागेश्वरी के साथ। राजमाता, जब रिश्ते में बंधन सा लगने लगे तो उठने का मन करता ही। सोचिए रानी, राणा जी एक दिन में इतने कैसे बदल सकते हैं? हमें तो जरूर रागेश्वरी की कोई चाल लग रही है, जरूर उसने जंगल में राणा जी के लिए कोई जाल बिछाया है। हमारा दिल कहता है कि राणा जी जंगल में शिकार करने नहीं, शिकार होने जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा रानी। नहीं राजमाता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राणा जी, ठीक तो है? ये तो शुरुआत है राणा जी, अभी तो ये वशीकरण आपसे बहुत कुछ करवाएगा। मेरी बच्ची, क्यों अचानक से? सब ठीक तो है ना? तू ठीक होती तो हम भी ठीक होते गायत्री। मैं ठीक ही तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? बेटी को अपना दुख बताने के लिए मायके में चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। ससुराल में बेटी की आंखों में एक आंसू पूरे मायके को भिगो देता है। पता नहीं देवी माँ तेरी इतनी लंबी परीक्षा क्यों ले रही है, आग में झोंक डाला है तुझे। माँ, बाबूजी कहते थे ना, आग में सोने को ही डाला जाता है। सोने को ना, सोने की गुड़िया को नहीं। मैं ये जादू तो ना श्राप, ये सब मैं विश्वास नहीं रखती। राणा जी ने रागेश्वरी के साथ शादी नहीं की थी, उन्हें करनी पड़ी थी, क्योंकि मैंने उनके सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, वो मजबूर थे। और वैसे भी ये शादी बस एक नाम की शादी है। कोई भी शादी नाम की शादी नहीं होती गायत्री। अग्नि के सामने सात फेरे लिए उन दोनों ने, भगवान और समाज के सामने उनका बंधन बंधा। अंगार और फूस अगर साथ में रहते हैं ना, तो आग लगती ही है।